नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। गत दिनों किसान आंदोलन में दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर अचानक मरने वाले किसान हरविंदर सिंह के घर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा और पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी जताते हुए 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के बाद उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। सबसे पहले तो हम सभी मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं हरिंदर सिंह, जो हमारे एक बहुत ही कम आयु के बहुत एक नौजवान हमारे किसान भाई थे, जो इस आंदोलन में सब कुछ ताक पे रख के एक अपने धर्म में और हर तरीके से शामिल हो रहे थे। तो आज उनके जाने का बहुत बड़ा दुख है पूरे इलाके को, और आप सोच सकते हैं कि उनके पीछे वो 6 साल का उनका एक लड़का है जो, और 6-7 साल का जिसकी मदर भी नहीं है, तो केवल दादी हैं, उनके चाचा हैं बलजिंदर सिंह हमारे। तो इन लोगों पे बड़ा एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, उन पे बड़ा एक जिम्मेदारी और एक भार इन पे आया है, जिसको केवल ये इन पे नहीं आया, हम सब पे आया। हम लोग भी जो भी हो सकेगा हम अपनी तरफ से हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी सहयोग कर सके हम करें, लेकिन कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है आप सोच सकते हैं। परिवार के लोगों ने अच्छे स्कूल में भेजने की मांग की है, उसके बारे में क्या? और जैसे कि आपको पता है कि जब पहले जब एक चौटाला सरकार के समय कंडेला में किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें एक दर्जन किसानों को पुलिस की गोली से अपनी जान गंवाई थी, कुर्बान करी थी, तो जो हुड्डा सरकार आई तो उस समय उन सारे परिवारों को शहीद का दर्जा देके और उन सबको सरकारी जॉब रोजगार देने का काम हुआ था, आर्थिक मदद हुई थी। कभी हमारी सरकार आएगी तो जितने भी अपने परिवार हैं, आपको पता है कुल मिला के अब 300 के लगभग किसानों के जिन्हें अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं, 40 से ज़्यादा जिसमें हरियाणा के हैं, तो सभी इन परिवारों को जो है कभी मौका आएगा तो उसी पॉलिसी को दोबारा लागू करते हुए शहीद किसान शहीद का दर्जा दे दिलवाते हुए और सरकारी रोज़गार, ताकि इनका एक साधन हो सके, कोई ना कोई मदद हो सके। मगर फिलहाल क्योंकि हम विपक्ष में हैं, मगर ऐसे में हुड्डा साहब ने एक फैसला किया कि विधायक दल की तरफ से, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जो है अपनी निजी कमाई में से, क्योंकि सरकारी ग्रांट दे नहीं सकते कोई विपक्ष में, तो निजी कमाई में से 2-2 लाख रुपए हर परिवार की आर्थिक मदद करने का एक हुड्डा साहब के निर्देश अनुसार एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये हमारा जो अपना हरिंदर के जो हमारे छोटे 6 साल के जो 6-7 साल के जो हमारा जो उनका लड़का है, उसके शिक्षा के लिए और उसके साथ जो है एक बात आई थी परिवार की तरफ से, तो सेंट्रल स्कूल में करनाल में मैं अपने सांसद कोटे से सेंट्रल स्कूल में मैं उनका दाखिला कराऊंगा। उसके साथ साथ क्योंकि उसके 2 जो है कज़न तो वो भी हैं, तो कहते हैं इस परिवार में 2 बच्चों का सेंट्रल स्कूल में हम दाखिला करवाएंगे, बलजिंदर सिंह हमारे जो भाई हैं इनसे बात करके, ताकि वो दोनों का साथ आने जाने का रहे, और जो है दुख की घड़ी में हम एक बार फिर बहुत ही श्रद्धांजलि भी देते हैं, और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार कम से कम कुछ संवेदना, कुछ सहानुभूति कुछ दिखाए। ये और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ऐसे घड़ी में कि सरकार इन लोगों को, कल आपने देखा किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया विधानसभा में भी, और उससे पहले भी लगातार इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, और इनके मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप एक एक परिवार के पास जाए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इन किसानों ने, और उनकी आँख में झाँक के आप बताएँ कि जो सरकार ये बात कह रही है वो कितनी कितनी
जो है चाहे वो बात सही है या गलत है उनकी आंख में डाल डाल के आप करें फैसला। आप लोग मीडिया हो, आप जाके देख सकते हो जो गरीब गरीब किसान परिवार अरिंदर हैं उनके 2 एकड़ की मेरे को बताया गया खेती थी। ऐसे ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने ऐसा एक साधारण किसान परिवार आज के दिन हरियाणा में साधारण किसान परिवार की स्थिति है, वो अपनी जायज़ मांगों के लिए अपने प्रजातंत्र में अपने मांगों के लिए जो एक वो कर रहे हैं अपना शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं उसको अगर सरकार स्वीकार नहीं तो अपमान तो नहीं होना चाहिए, स्वीकार नहीं तो तिरस्कार तो नहीं होना चाहिए। तिरस्कार जो हो रहा है ये मैं समझता हूँ कि किसान नहीं इंसान के नाते भी सर किसान आंदोलन के दौरान करीबन 300 किसान सर शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन के दौरान विभिन्न राज्यों से, हरियाणा को भी 40 बताए सर आपने, उसके बाद भी सर बीजेपी गवर्नमेंट गंभीरता से गंभीर नहीं हो रही है, क्या दुख प्रकट नहीं कर रही है। दीपेंद्र जी मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में साफ कह दिया कि किसान आंदोलन के जो ये तो 3 कृषि कानून है किसी कीमत पर वापस नहीं दिए जाएंगे, विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत जो है अभी मेरे लिए भावनात्मक एक बात जी, मैं